वालेकुम रहमतुल्लाह फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना ई पे टैक्स पेमेंट कैसे करेंगे, ई पे टैक्स पेमेंट आप सक्सेसफुली कैसे कर पाएंगे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप जो आधार कार्ड के साथ अपना पैन कार्ड को लिंक करेंगे, तो आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने से पहले आपको जो है ना अपना चालान कटवाना पड़ेगा, अपना पेनल्टी चार्ज पे करना पड़ेगा। जब तक आप अपना चालान नहीं कटवाएंगे, तब तक आप अपना आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को लिंक नहीं कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही चीज बताऊंगा, यही चीज समझाऊंगा और सिखाऊंगा, दिखाऊंगा कि आप जो है ना अपना पेनल्टी चार्ज कैसे पे करेंगे, अपना चालान कैसे कटवाएंगे, चालान कैसे भरेंगे, चालान का भुगतान कैसे करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको पूरी तरह से जानना है, सीखना है, समझना है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। देखने के बाद आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर ले, बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दें। और हां फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आपको एक बात बताता चलूं, क्या आप अगर अपना आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक करना नहीं जानते हैं और आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करना नहीं आता है, और आप जो है ना आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना जरूरी है, मैंडेटरी है और आपको करना है अभी, तो आप मुझे कमेंट करें या फिर मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट करें, मेरे से व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, मैं आपको जो है आपके आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को लिंक करके दूंगा और आधार कार्ड और पैन कार्ड के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है सारी चीज आपको जो है सक्सेसफुली करके दूंगा, कंप्लीटली आपको जो है करके दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको जो है ना चालान कैसे भुगतान करेंगे, पेनल्टी चार्ज कैसे पे करेंगे, ई पे टैक्स पेमेंट कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में आगे का प्रोसेस में आपको कंप्लीटली बताते हैं। तो दोस्तों, आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको 1000 का चालान कटाना पड़ेगा। 1000 का चालान सबसे पहले आपको भरना पड़ेगा। जब तक आप 1000 का पेनल्टी नहीं भरेंगे, जब तक आप अपना 1000 रुपया पे नहीं करेंगे, 1000 रुपये जुर्माने के तौर पर भुगतान नहीं करेंगे, तब तक आपका आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यही चीज आप जानेंगे, सीखेंगे कि आप जो है 1000 रुपये कैसे पे करेंगे, 1000 रुपये का चालान कैसे भरेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद दोस्तों, सर्च बार में आप क्या टाइप करेंगे, सर्च बार में यहाँ पे आप टाइप करेंगे incometax.gov.in। देखिए, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ incometax.gov.in। इस तरह से आप यहाँ पे लिख लेंगे सर्च बार में, यहाँ पे टाइप कर देंगे, देखिए इस जगह में। तो यहाँ पे इस तरह से लिखने के बाद इसको एंटर कर लेंगे, सर्च कर लेंगे incometax.gov.in पोर्टल, और उसका वेबसाइट आपके सामने यहाँ पे शो होगा, दिखेगा। ये इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल ये डिपार्टमेंट, ये देख सकते हैं आप, इनकम टैक्स ई फाइलिंग। दोस्तों, इसी वाले वेबसाइट को ओपन कर लेना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके आपको जो है ना इसके अंदर में चला जाना है, इसको खोल लेना है। दोस्तों, जैसे आप इनकम टैक्स का जो ऑफिशियल साइट है इसको ओपन कर लेंगे, इसको खोल लेंगे, तो यहाँ पे जो है ना अलग अलग जो है ना ऑप्शंस आपको दिखेगा एक एक चीज को करने के लिए। और यहाँ पे देखिए, एक ऑप्शन आपको यहाँ पे क्विक लिंक्स मिलेगा, ये क्विक लिंक्स में यहाँ पे ई वेरीफाई रिटर्न, लिंक आधार स्टेटस, लिंक आधार इनकम टैक्स रिटर्न, ये देखिए वेरीफाई योर पैन ई पे टैक्स। तो दोस्तों, आपको 1000 का चालान भरने के लिए, 1000 रुपये का पेनल्टी कटाने के लिए, 1000 रुपये का पेनल्टी पे करने के लिए आपको इस ई पे टैक्स के ऊपर प्रेस करना है। जी हाँ दोस्तों, सही से सुनेंगे, सही से समझेंगे। जब तक आप 1000 रुपये का पेनल्टी नहीं भरेंगे, जब तक आप 1000 रुपये का चालान नहीं भरेंगे, नहीं कटेंगे, तो दोस्तों तब तक आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अपना 1000 रुपये का चालान कटाने के लिए, 1000 रुपये का चालान बनाने के लिए, 1000 रुपये का पेनल्टी का भुगतान करने के लिए ई पे टैक्स के ऑप्शन पे, ई पे टैक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला विंडो, ये वाला पेज, ये वाला स्टेप आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे ये जो कट का निशान है इसके ऊपर कट करके क्लिक करके मैं कट कर दूँ। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको आगे करना क्या है, यहाँ पे दो चीज आपको फिल करना है, या तो आपका पैन नंबर एंटर करना है, या फिर अगर आपके पास टैन नंबर है, TAN नंबर, तो आपको यहाँ पे एंटर करना भरना है। अगर आप इस वाले बॉक्स में पैन नंबर भरते हैं, तो इस वाले बॉक्स में भी आपको पैन नंबर एंटर करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। इस वाले बॉक्स में अगर आप इस वाले बॉक्स में टैन नंबर भरते हैं, तो इस वाले बॉक्स में भी आपको टैन नंबर फिल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ दोस्तों, अपना जो पैन नंबर है वो पैन नंबर यहाँ पे मैं फिल कर दे रहा हूँ, पैन नंबर मैं यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ। जैसे आप पैन नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, तो नेक्स्ट के ऊपर प्रेस करेंगे और नीचे कंफर्म वाला बॉक्स में भी आप सेम टू सेम वही पैन नंबर इस जगह में इस तरह से एंटर कर देंगे, फिल कर देंगे।
और दोस्तों जैसे अगर आपका पैन नंबर इस वाले बॉक्स में जो चीज भरेंगे इस वाले बॉक्स में भी सेम टू सेम सही से अगर इस वाले बॉक्स में भी एंट्री हो गया फिल हो गया भर दिए तो दोस्तों एकदम से इस तरह से ये जो ना शो होगा इस तरह से ग्रीन कलर में दिखेगा। नहीं अगर आपका किसी भी तरह कुछ भी रॉन्ग होगा तो यहाँ पर रेड कलर आ जाएगा। जैसे मान के चलिए मैं एक लेटर यहाँ पे हटा के देखता हूँ, कट देखिए यहाँ पे मैंने एक लेटर पेन नंबर का एक जो है ना लेटर मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया, सॉरी हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे देखिए प्लीज री इंटर पेन TN टू कंफर्म डिटेल्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप सही से फिल कर देंगे तभी जाके ये सही का जो है ना ये सही से यहाँ पे इस तरह से शो होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, क्या करेंगे आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर दिया। आप यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर फिल करेंगे वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। यहाँ पे मैंने वो नंबर एंटर कर दिया, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर प्रेस करेंगे। यहाँ पे पैन नंबर और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, OTP जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे 6 डिजिट का जो कोड जाएगा, 6 डिजिट का जो आपके फोन नंबर में मोबाइल नंबर में SMS के थ्रू आपके पास जो कोड जाएगा OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे एक एक करके सही से देख के भर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे जो OTP शो हो रहा है और ऊपर में भी देखिए आ गया क्या ट्रूकॉलर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ट्रूकॉलर के थ्रू भी यहाँ पे OTP शो हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ और यहाँ पे ये जो OTP इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, ये इस OTP के ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली तो एंटर नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं उस OTP को सही से यहाँ पे इस तरह से एंटर कर देता हूँ। OTP जैसे आप एक एक करके यहाँ पे एक एक करके फिल कर देंगे भर देंगे, OTP एंटर करने के बाद नीचे देखिए, नीचे आपके सामने क्या है कंटिन्यू का बटन है, क्या है कंटिन्यू का ऑप्शन है। तो यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर प्रेस कर देंगे। OTP एंटर करने के बाद अपने नंबर का अपने मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन कर लिए, कंटिन्यू के ऊपर प्रेस कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल OTP, क्लिक कंटिन्यू टू मेक अ न्यू पेमेंट। अब आपको 1000 रुपये का चालान करने के लिए एक न्यू पेमेंट बनाने के लिए न्यू पेमेंट करने के लिए 1000 रुपए का पेनल्टी चार्ज चार्ज देने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, नीचे जो कंटिन्यू का ऑप्शन है कंटिन्यू का बटन है इस कंटिन्यू के ऊपर प्रेस कर देंगे। कंटिन्यू के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहां पे देखिए आपको करना क्या है, सही से आप ध्यान से देखिए वीडियो को, सही से आप जो है ना ध्यानपूर्वक देखिए। दोस्तों जो भी बंदा वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लें। तो यहां पे आने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां पे कुछ भी आपको जो है ना इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, कोई पे भी दिमाग लगाना नहीं है। सबसे पहला वाला ऑप्शन जो इनकम टैक्स का है ना, ये वाला ऑप्शन सबसे पहला वाला, इसी को चूज करेंगे और यहां पे ये जो प्रोसीड का बटन है प्रोसीड का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे सबसे पहले वाले ऑप्शन पे। अब यहां पे देखिए 3 स्टेप में आपको ई पे टैक्स का ये स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा, ई पे टैक्स का प्रोसेस आपको जो है ना कंप्लीट करना पड़ेगा। तो दोस्तों 3 स्टेप में यहां पे पहला स्टेप क्या है, एड टैक्स एप्लीकेबल डिटेल्स। तो दोस्तों असेसमेंट ईयर में यहां पे जो पहला ऑप्शन असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर के नीचे यहां पे ये जो एरो देख रहे हैं या फिर इस बॉक्स में आप क्लिक करेंगे तो इस बॉक्स में जो आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपके सामने देखिए 2000 जो लेटेस्ट है यानी कि 2023 और 24 इस वाले को चूज करेंगे, इस वाले को क्या करेंगे टैप करेंगे, ठीक है अभी 2023 से 24। उसके बाद दोस्तों यहां पे सबसे नीचे में देखिए टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड, ये जो टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड है इसके नीचे जो बॉक्स है इसके नीचे जो सिलेक्ट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। टाइप ऑफ देखिए टाइप ऑफ पेमेंट यानी कि माइनर हेड, टाइप ऑफ पेमेंट यानी कि माइनर हेड इस वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे सबसे नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखेगा अदर रिसिप्ट्स, क्या ऑप्शन दिखेगा अदर रिसिप्ट ये वाला सबसे नीचे वाला। तो आप क्या करेंगे अदर रिसिप्ट के ऊपर प्रेस करेंगे, अदर रिसिप्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये दोस्तों ऊपर से आप नीचे आ जाएंगे, ऊपर से नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए सब टाइप ऑफ पेमेंट, ये जो सब टाइप ऑफ पेमेंट है ये वाला सबसे फर्स्ट वाला आप जो है ना सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले वाला जो है ना आप क्या करेंगे चूज करेंगे। पहले वाला क्या है फ्री फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार, यानी पैन के आधार के साथ पैन लिंकिंग करने का जो डिले है डिले का फीस है उस फीस के लिए ये वाला ऑप्शन आपको जो है ना चूज करना है सेलेक्ट करना है इस वाले को। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको चूज कर लिया सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन एनेबल हो जाएगा, कंटिन्यू के ऊपर प्रेस कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर प्रेस करेंगे दूसरा स्टेप दूसरा चरण यहाँ पे देखिए आ जाएगा। अब दूसरे चरण में दूसरे स्टेप में आपको करना क्या है, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आने के बाद सबसे नीचे चले जाएंगे, सबसे नीचे जाने के बाद कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सबसे नीचे जाने के बाद कंटिन्यू के ऊपर प्रेस कर देना है, यहाँ पे 1000 रुपये शो होगा, 1000 रुपये का पेनल्टी यहाँ पे दिखेगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर प्रेस कर देंगे, कंटिन्यू के ऊपर प्रेस करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर टैप करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे देखिए एड पेमेंट डिटेल्स। अब आप जो पेमेंट करेंगे पेमेंट मेथड आपको चूज करना है, आप किस तरह से जो है ना आप 1000 रुपये का चालान भरना चाहते हैं, किस तरह से आप 1000 रुपये का पेनल्टी चार्ज पे करना चाहते हैं,
तो दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक नेट बैंकिंग, एक डेबिट कार्ड। नेट बैंकिंग, अगर आप किसी भी बैंक का, आपके पास नेट बैंकिंग है, आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं, नेट बैंकिंग चलाते हैं, तो दोस्तों आप उस नेट बैंकिंग को यहाँ पे चूज कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे एक्सिस बैंक अगर आपका है और एक्सिस बैंक का अगर आप नेट बैंकिंग चलाते हैं तो आप इस वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों अगर आप नेट बैंकिंग थ्रू यूज करना चाहते हैं, अगर आप कटाना चाहते हैं, अपना पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या जो भी बैंक आपके पास नेट बैंकिंग है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, चूज कर लेंगे। और दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पे डेबिट कार्ड है। तो डेबिट कार्ड अगर आपके पास ATM कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, या फिर आपके पास जो है ना डेबिट कार्ड है, तो कोई भी कार्ड अगर आपके पास है तो आप अपने कार्ड से, आप अपने कार्ड के थ्रू अगर आप जो है ना 1000 रुपये का पेमेंट करना चाहते हैं, चालान भरना चाहते हैं, 1000 रुपये का जो है ना पेनल्टी चार्ज देना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे डेबिट कार्ड चूज कर लेंगे। जिस भी बैंक का आपके पास डेबिट कार्ड है, पहले उस बैंक को यहाँ पे चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान के चलिए मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड है, ATM कार्ड है, तो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे चूज कर लिया। तो बैंक यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर प्रेस कर देंगे, यहाँ पे आप अपना बैंक चूज कर लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर प्रेस करेंगे, कंटिन्यू के ऊपर टैप करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका जो पेमेंट डिटेल्स है, पेमेंट डिटेल्स का जो प्रीव्यू है वो आपको यहाँ पे शो होगा, आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये जो एडिट का एडिट के ऊपर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। आपको यहां पे आने के बाद कुछ भी नहीं करना, जो प्रोसेस, जो भी चीज मैंने आपको बताया, सारी चीज सेम टू सेम उसी तरह से आपको जो है ना करके आना है। और करके आने के बाद यहां पे आने के बाद कुछ भी नहीं करना है। यहां पे देखिए 1000 रुपए का चार्ज आपको पे करना है, तो यहां पे नाउ के ऊपर प्रेस करना है। अगर आप बाद में चल के पे करना चाहते हो तो आप पे लेटर के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों मैं अभी पे करके दिखाऊंगा, अभी पे करूंगा, और आपको भी अभी जो है ना कर लेना है, बाद में जो है ना क्यों टेंशन लेंगे। तो पे नाउ के ऊपर मैंने प्रेस कर दिया। पे नाउ के ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहां पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिया हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन जो यहां पे लिखा हुआ है, दिया हुआ है, आप यहां पे एक एक करके पढ़ सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। 14 का जो है ना यहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस यहां पे दिया हुआ है, तो आप एक एक करके पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लेंगे। उसके बाद दोस्तों पढ़ने के बाद यहां पे ये देखिए आई एग्री, यानी कि इसका जो टर्म्स ऑफ कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो आप यहां पे एग्री कर लेंगे। उसको यहां पे आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एक्सेप्ट करने के लिए ये जो घर देख रहे हैं आप खाका, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसको जो है ना इस तरह से एग्री कर लेंगे। उसके बाद सबमिट टू बैंक, ये जो सबमिट टू बैंक का बटन है, सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पे जैसे ही प्रेस करेंगे दोस्तों, तो यहां पे आप देख सकते हैं, अब आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर वैलिडेशन, आपको यहाँ पे आपका जो खाता है, आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है, आपका जो खाता संख्या है, वो खाता संख्या आप यहाँ पे एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पे मेरा जो खाता नंबर है, अकाउंट नंबर है बैंक में, बैंक अकाउंट नंबर, वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। और यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है आपको, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे इस जगह में आपको फिल करना, भरना है। सेम टू सेम आपको कैप्चा कोड जो भी है वो सेम टू सेम उसी तरह से भरना है। तो यहाँ पे देखिए कैप्चा कोड जो शो हो रहा है, यहाँ पे मैंने इस तरह से सेम टू सेम भर दिया। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर और यहाँ पे ये कैप्चा कोड को इस जगह में फिल करने के बाद, भरने के बाद, ये जो प्रोसीड बटन है, प्रोसीड का ऑप्शन है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पे देखिए क्या है, एंटर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड, यानी कि आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। जो भी मोबाइल नंबर आपके बैंक के साथ लिंक है, बैंक अकाउंट में आपने अपना मोबाइल नंबर को लिंक कर रखा है दोस्तों, उसी मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों यहां पे जो सिक्योरिटी पासवर्ड जाएगा, यानी कि OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहां पे फिल करना, भरना है। बाय चांस अगर आपके पास OTP ना गया हो, नहीं अगर जाए तो दोस्तों यहां पे रिसेंट OTP का ऑप्शन है, रिसेंट OTP के ऊपर क्लिक करके आप दोबारा से OTP, दोबारा से हाई सिक्योरिटी पासवर्ड भेज सकते हैं, दोबारा से SMS के थ्रू अपना OTP सेंड कर सकते हैं। दोस्तों मेरे मोबाइल नंबर पे, मेरे मोबाइल नंबर के थ्रू जो है ना OTP चला गया है, तो यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, उस OTP को एक-एक करके यहां पे फिल कर दे रहा हूं। देखिए OTP जो शो हो रहा है आपको, एक-एक करके यहां पे एक-एक करके सही से फिल कर देंगे, भर देंगे। तो दोस्तों देखिए मैंने अपना जो OTP है, वो OTP यहाँ पे मैंने एक एक करके फिल कर दिया, भर दिया। अब OTP एंटर करने के बाद ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए कंफर्म का जो बटन है, कंफर्म का जो ऑप्शन है, इस कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। कंफर्म के ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे दोस्तों, कंफर्म के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, टैप करेंगे, तो आपके सामने जो है ना आपको डेबिट कार्ड चूज करने के लिए यहाँ पे बोला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो डेबिट कार्ड है, जो फर्स्ट वाला एक्टिव डेबिट कार्ड्स, यहाँ पे जो भी आपका एक्टिव डेबिट कार्ड्स है वो यहाँ पे शो होगा इस तरह से। और अगर आपका कोई भी डेबिट कार्ड बंद पड़ा है या पहले चल रहा था, अभी नहीं चल रहा, तो वो भी उसका भी यहाँ पे शो होगा इस तरह से, अदर कार्ड्स करके। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो एक्टिव डेबिट कार्ड है यही वाला है, इसी को मैं चूज करूंगा, इसी कार्ड के थ्रू मैं पेमेंट करूंगा। तो इसको क्या करेंगे, आप चूज कर लेंगे इस तरह से, सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म का बटन शो हो जाएगा, कंफर्म का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंफर्म के ऊपर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, अपना जो कार्ड होल्डर नाम है, जिसका भी ये कार्ड है, उस
वो उस कार्ड होल्डर कार्ड धारक का नाम आप यहाँ पे एंटर करेंगे, फिल करेंगे, और जो भी यानी एटीएम कार्ड के ऊपर, डेबिट कार्ड के ऊपर, क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो भी आपका नाम है जैसा है सेम टू सेम वैसा ही फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना एक्सपायरी डेट यानी आपका कार्ड का जो एक्सपायरी डेट है वो कब तक है, तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पे मैंने फिल कर दिया। और यहाँ पे पिन नंबर आप एंटर करेंगे, यानी यहाँ पे जो है दोस्तों पिन नंबर जो आप एंटर करेंगे तो आपका एटीएम पिन नंबर जो है वही फिल करेंगे, यानी आपका जो पिन नंबर है ना एटीएम पिन नंबर, वो एटीएम पिन नंबर आप यहाँ पे टाइप करेंगे। और फिर से यहाँ पे कैप्चा कोड शो हो रहा, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे। तो दोस्तों एक एक करके आप इस कैप्चा कोड को भी यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, तो इस तरह से यहाँ पे भी इस कैप्चा कोड को यहाँ पे लिखने के बाद, भरने के बाद ऊपर से नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रोसीड का ऑप्शन शो रहा, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखिए योर डेबिट कार्ड वैलिडेशन इज डन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, योर डेबिट कार्ड वैलिडेशन इज डन, प्लीज कंटिन्यू टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। अब करना क्या आपको, आपका जो डेबिट कार्ड का वैलिडेशन है, आपका डेबिट कार्ड सही है या गलत है, ये चीज आपका जो है ना चेक हो गया, वेरीफाई हो गया। अब वेरीफाई जो हो गया, अब आपको पेमेंट करना है, 1000 रुपये का चालान भरना है। तो 1000 रुपये का चालान भरने के लिए यहाँ पे देखिए सारी चीजें, प्लीज वेरीफाई योर कार्ड डिटेल्स टू पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सारी चीजें यहाँ पे शो हो रहा है, आपके कार्ड के रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है, ये जो कंफर्म है ना, कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। ये जो कंफर्म का ऑप्शन है, कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। कंफर्म के ऊपर प्रेस करने के बाद, कंफर्म के ऊपर टैप करने के बाद, योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल। जी हाँ दोस्तों, अब आपका पेमेंट जो है ना सक्सेसफुल हो चुका है, आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, आपका 1000 रुपये का चालान जो है ना कट चुका है, आपने 1000 रुपये का चालान भर दिया है। दोस्तों इस तरह से आप 1000 रुपये का चालान भर सकते हैं, इस तरह से आप 1000 रुपये का पेनल्टी चार्ज जो है ना पे कर सकते हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने के लिए। जब आप इस तरह से चालान भर देंगे, 1000 रुपये का पेनल्टी चार्ज आप जब पे कर देंगे, जब आप 1000 रुपये का आधार कार्ड और पैन कार्ड का जो डिले फीस है, डिले जो लेट फीस है, लेट चार्ज है, उसको जब इस तरह से आप जो है ना क्या कर देंगे, पे कर देंगे, तो उसके एक दिन के बाद आप आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं। जी हाँ, आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने से पहले, इस तरह से पहले आपको 1000 रुपये का चालान भरना ही पड़ेगा, 1000 रुपये का भुगतान करना ही पड़ेगा, 1000 रुपये का लेट फीस आपको देना पड़ेगा, तब जाके आप एक दिन के बाद आपका ये पेमेंट जो आपने किया, 1000 रुपये का जो आपने चालान भरा, ये चालान का वेरिफिकेशन एक दिन के अंदर होगा। एक दिन के अंदर जब हो जाएगा तब जाके आपको दोस्तों करना क्या है, थोड़ा सा मैं आपको जो है और थोड़ा सा डिटेल्स आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए इस जगह में देखिए, द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल। अब ये जो आपका चालान रिसीविंग है, चालान रिसिप्ट है, तो अगर आप उस चालान को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, इस डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आप अपने चालान को क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। आपने जो चालान कटा उसका जो रिसिप्ट है उसको आप क्या करेंगे, सेव कर लेंगे अपने फोन में, अपने मोबाइल में। तो दोस्तों मैंने डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दिया, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो चालान है, ये जो आपका लेट फीस भुगतान का ये जो रिसीविंग है, ये आपका आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा, आपके फोन में जो है ना सेव हो जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी जो है ना डाउनलोड का ऑप्शन है, इस डाउनलोड के ऊपर भी क्लिक करके आप जो है ना अपना चालान डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने डाउनलोड के ऊपर प्रेस कर दिया, तो डाउनलोड के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो, ये देखिए फिर से डाउनलोड फाइल अगेन, तो मैं फिर से डाउनलोड अगेन के ऊपर क्लिक करता, अब ये दोबारा से जो है ना इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, आपको बताता चलो दोस्तों, आपको अब एक दिन के बाद ही अपना जो है ना लिंक आधार और पैन को लिंक करने का प्रोसेस आपका होगा। अभी आप करेंगे तो नहीं होगा, जब आप अपना चालान भरेंगे तभी नहीं होगा। तो दोस्तों आपको बताता चलूं, इस तरह से आप जो है 1000 रुपये का चालान भर सकते हैं, 1000 रुपये का आप जो है ना पेमेंट, जो लेट फीस है, जो पेनल्टी चार्ज है आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने का, उसको आप इस तरह से पेमेंट कर सकते हैं, इस तरह से भुगतान कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी डिटेल्स, जो भी जानकारी आपको बताया इस ई पे टैक्स के रिगार्डिंग, इस 1000 चालान भरने के बारे में, 1000 रुपये पेनल्टी चार्ज पेमेंट करने के बारे में, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप सीख गए, समझ गए। अच्छा लगे पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लें, बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दें, और हाँ फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।